नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली है और समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर होने वाली अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें, भारत लगातार 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन होगा। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद की इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे और ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसी बहस पर चर्चा हो रही होगी। भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भी है और ऐसे में एशिया में भारत के बढ़ते कद की दिशा में ये एक जरूरी पड़ाव भी है। बता दें, भारत का आतंकवादी विरोधी एजेंडा जग जाहिर है। ऐसे में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की इस महत्वपूर्ण बैठक में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर भी देशों की राय ली जाएगी जिससे कोई भी महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा सके। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फ्रंट फुट पर आकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के मसले पर ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के बाद अब राहुल गांधी ने समान विचारधारा वाले सियासी दलों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। जी हां, संसद में जारी गतिरोध और यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की ओर से समान विचारधारा वाले लगभग 17 सियासी दलों के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया जाना अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी नेताओं के साथ आज चाय नाश्ते पर चर्चा करेंगे और राहुल गांधी की ओर से ब्रेकफास्ट के लिए जिन सियासी दलों को न्योता भेजा गया है उनमें पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज द्रविड़ मुन्नेत्र और के साथ ही कांग्रेस की पुरानी गठबंधन सहयोगी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, सपा को भी न्योता भेजा गया है। तो बता दें, राहुल गांधी के आवास पर आज सुबह करीब 9:30 बजे ब्रेकफास्ट पर कई विपक्षी दलों को बुलाया गया है और इस बैठक को काफी अहम भी माना जा रहा है। ऐसे में लगातार संसद में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरह से और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी ऐसा कहा जा रहा है और कई सियासी दलों को राहुल गांधी ने न्योता भेजा है, चाय नाश्ते पर बुलाया है। करीब 9:30 बजे ये बैठक होने वाली है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। ब्रेक दी चेन मुहिम के चलते लागू कोविड प्रतिबंधों में राज्य सरकार ने अब ढील देने का फैसला कर लिया है। दरअसल कोरोना से ज्यादा प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में जारी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लेगी। हालांकि अभी भी जरूरी है कि गैर जरूरी दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं होटल भी हर दिन शाम 4 बजे तक खोले रखने की इजाजत दी गई है। साथ ही नए आदेश के मुताबिक अभी पब्लिक गार्डन, प्लेग्राउंड, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ अब काम कर सकते हैं। साथ ही काम की समय अवधि ऐसी तय की जाए जिससे भीड़ से बचा जा सके। जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है वहां इसे जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो बता दें, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में नई गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि कहीं ढील मिलेगी तो कहीं पे सख्ती रहेगी। जो 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं वहां पर ज्यादा ढील दी जा रही है। दरअसल लगातार पिछले काफी समय से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो ऐसे में अब तमाम नई गाइडलाइंस जो हैं वो लागू कर दी गई हैं और जहां पर ज्यादा केस हैं वहां पर ढील नहीं दी गई है, लेकिन जिन जिलों में कम केसेस हो गए हैं कोविड के वहां पर ढील दे दी गई है। इसी के साथ अब दफ्तरों में, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे लोग। इसके साथ ही समय अवधि भी तय इस तरह से की जाएगी जिससे भीड़ से बचा जा सके। साथ ही जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसे अभी भी जारी रखा जाएगा और ऐसे में कहा गया है कि साथ ही सिनेमा हॉल, वॉकिंग, जॉगिंग, गार्डन को खोलने के लिए भी इजाजत दे दी गई है।
तो बता दें महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केस अब कम होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब कोरोना गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई हैं, जिसमें कई दिशा निर्देशों को बदला गया है। जहां पर कोविड के मामले कम हैं वहां पर ढिलाई दी गई है, जहां पर कोविड के मामले अभी भी बरकरार हैं, ज्यादा बने हुए हैं, वहां पर पूरी सख्ती अभी भी बरती जा रही है। ओडिशा के पुरी शहर में अब लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए बोतल बंद पानी या फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। यहां पर सभी घरों में नल द्वारा साफ पानी पहुंचाया जाना शुरू हो गया है। यानी ओडिशा का पुरी शहर देश का पहला ऐसा शहर है जहां 24 घंटे नल से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक इससे पुरी के तकरीबन 2.5 लाख निवासियों को फायदा भी मिलेगा। साथ ही 21 सालों से ओडिशा और कि सत्ता संभाल रहे सीएम नवीन पटनायक ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत कर दी है। पटनायक ने यह साफ कहा है कि शहरवासी पानी को बर्बाद न करें और इस मिशन में शिकायत निवारण के लिए भी IBRS के साथ ही 24/7 हेल्पलाइन केंद्र, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का उद्घाटन और जल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी शामिल हैं। बता दें हमारे देश में कुल शहरी आबादी के 18% लोग जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, इसमें 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरों में रह रहे 32.7% घरों में ही पाइप वाला सीवर सिस्टम मौजूद है। तो ऐसे में नई पहल की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, नवीन पटनायक की तरफ से, जहां पर अब ओडिशा के पूरी शहर में लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा और नल के जरिए ही उन्हें पानी मिलेगा। और भुवनेश्वर का विकास मॉडल इस समय काफी चर्चा में, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही बता दें कि स्वच्छ पानी दिया जाएगा और ऐसे में नवीन पटनायक की तरफ से उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है। तकरीबन रोजाना हो रहे एनकाउंटर में बड़ी संख्या में आतंकियों का घाटी से सफाया किया जा चुका है। अब पाकिस्तान ने भारत में आतंक की गतिविधियों करने के लिए तरीके निकालने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के में कई ड्रोन दिखाई दे चुके हैं, जिसके बाद से सेना और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या शख्स के दिखने के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हो जाते हैं। ताजा जानकारी के अनुसार जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को 2 संदिग्ध शख्स दिखाई दिए हैं। इसके बाद सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने में लग गए हैं। साथ ही दोनों संदिग्धों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। और बता दें कि हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से 2 हमले हुए थे, जिसके बाद से ही सेना ने मुस्तैदी अपनी बढ़ा दी है। वहीं कठुआ जिले की बात करें तो वहां नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ स्थानीय लोगों ने संदिग्ध ड्रोन भी देखे हैं, जानकारी बताई जा रही है। साथ ही इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू के सांबा में भी रविवार को 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए थे। बता दें ये ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा क्षेत्र में आर्मी कैंप के पास दिखे थे और ये लगातार दूसरा दिन था जब सांबा में ड्रोन दिखाई दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी ड्रोन के दिखने की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और लगातार जैसे जैसे 15 अगस्त पास आ रहा है सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। देश में अलर्ट है, तमाम राज्यों में अलर्ट है, तमाम बॉर्डर्स पर अलर्ट है, क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहा है एजेंसियों को कि 5 अगस्त और 15 अगस्त के आसपास हो सकता है आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे दें। तो इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में आए दिन ड्रोन देखे जा रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा बल और ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों को 15 अगस्त से खोल दिया जाएगा। विद्यालयों में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ कक्षाओं के संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू की जाएगी। बता दें, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 सितम्बर से कक्षाओं का संचालन पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित टीम 9 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र 2021-22 शुरू करने की तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया गया है उन्हें अगली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इन विद्यार्थियों की कक्षा स्वाधीनता दिवस की तिथि से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्कूलों में स्वाधीनता दिवस के दिन स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के आयोजित करने और 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ पठन पाठन प्रारंभ शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो ऐसे में पिछले काफी समय से जिस तरह से स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, अब यूपी में भी 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक की थी जिसमें फैसला लिया गया है। हालांकि तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कल से पहले ही स्कूल खोल दिए गए हैं। अब यूपी सरकार इस पर फैसला कर रही थी कि कब से स्कूल खोले जाने चाहिए, तो इसको लेकर ही ये फैसला हुआ है कि 16 अगस्त से स्कूल जो है यूपी में अब खुल जाएंगे और आधी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि आधी क्षमता में ही बच्चे पहुंच पाएंगे स्कूल और पढ़ाई कर सकेंगे। दिल्ली में अब स्पा और मसाज सेंटर्स चलाने वालों को नए और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जी हां, दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में से जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार द्वारा स्पा और मसाज सेंटर्स के संचालन के लिए जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब लाइसेंस लेने के लिए स्पा और मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी तरह की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। साथ ही सेंटर में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। वहीं पुरुषों की मसाज के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मसाज करने के लिए सिर्फ महिलाओं को ही अनुमति दी जाएगी। वहीं पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के अलग अलग हिस्सों में होंगे और अलग अलग एंट्री के साथ ही स्पष्ट तौर पर सीमांकित होंगे और कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। नई गाइडलाइंस स्पा सेंटरों के लिए जारी की गई है जिसमें काफी सारे दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि इनका पालन जल्द से जल्द किया जाए। देश का निर्यात जुलाई में 47.19% से बढ़कर 35.17 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और रत्न और आभूषण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से कुल निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। दरअसल आंकड़ों के अनुसार जुलाई में आयात भी बता दें करीब 60.38% की वृद्धि के साथ 46.40 अरब डॉलर रहा और इस तरह व्यापार घाटा 11.23 अरब डॉलर रहा। बता दें समीक्षाधीन महीने में पेट्रोलियम निर्यात बढ़कर 3.82 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। साथ ही इंजीनियरिंग निर्यात 2.82 अरब डॉलर और रत्न और आभूषण निर्यात 1.95 अरब डॉलर पर रहा। हालांकि जुलाई में तिलहन, चावल, मांस और डेयरी और पेट्रोलियम यानी कि पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में भी गिरावट आई है। बता दें वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जुलाई में पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों का आयात 97% से बढ़कर 6.35 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं सोने का आयात 135.5% की बढ़ोतरी के साथ 2.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इसी तरह मोती, बहुमूल्य और उपरत्नों का आयात 1.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी सोमवार शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में व्यापक चर्चा होनी है। ऐसे में विस्तार एक बार में किया जाए या नहीं किया जाए, कई चरणों में इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही बोमोई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए रविवार रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए संसद रवाना होने से पहले संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत की और कहा कि नामों की सूची को आज या कल तक अगर अंतिम रूप दे दिया जाता है तो बुधवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं पिछली टीम को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल को संतुलित रखा जाएगा और नाम तय करते समय क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व के संतुलन पर भी ध्यान होगा। साथ ही कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं ये भी बैठक में तय किया जाएगा। भारत मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि अगस्त सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो चार महीने के मॉनसून का उत्तरार्ध है। बता दें आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने अगस्त के लिए जारी अनुमान में बताया कि इस महीने में भी मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना है। महापात्रा ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि अगस्त से सितंबर 2021 के दौरान समूचे देश में बारिश के सामान्य होने की संभावना है और इसके सामान्य के सकारात्मक पक्ष में होने की प्रवृत्ति भी है। साल 1961 से साल 2010 की अवधि के लिए पूरे देश में अगस्त से सितंबर की अवधि की बारिश दीर्घ आयु बता दें उसकी 428.3 मिलीमीटर रही है और हर साल आईएमडी दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगस्त सितंबर के महीने के लिए पुनः अनुमान जारी करता है, जो बरसात की चार महीने की ऋतु के आखिरी दो महीने होते हैं। वहीं आईएमडी ने कहा कि स्थानिक वितरण से पता चलता है कि देश के उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्से के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत और उससे सटे मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने इस साल मॉनसून के चार महीने के लिए माहवार पुनः अनुमान जारी करना भी शुरू कर दिया है। महापात्रा ने कहा कि पूरे देश में अगस्त में औसत बारिश सामान्य से ज्यादा होगी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 1961 से 2010 की अवधि के लिए पूरे देश में अगस्त की बारिश एलपीए का 298.1 मिलीमीटर होगा। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच हुई 12वें दौर की मीटिंग के 48 घंटे बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी करते हुए एलएसी पर शांति बहाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों की सेनाओं ने बाकी बचे विवादित इलाके पर डिस एंगेजमेंट को लेकर गहन आदान प्रदान किया है। सोमवार को भारत और चीन ने जो साझा बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों ने माना है कि बैठक का ये 12वां दौर काफी रचनात्मक था, जिससे आपसी समझ को और बढ़ाया जा सके। बयान में कहा गया है कि मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार एलएसी से बचे हुए मुद्दों को शीघ्रता से ही हल करते हैं और बातचीत और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। साथ ही शनिवार को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट को लेकर चीनी सेना के मोल्डो गैरिसन में 9 घंटे लंबी बैठक हुई थी। उसी को लेकर भारत और चीन ने सोमवार को साझा बयान जारी किया था। साझा बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि जब तक बाकी बचे हुए इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं होता है, तब तक पश्चिमी क्षेत्र की एलएसी पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे और संयुक्त रूप से शांति भी बनाए रखी जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और लिहाजा सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में है और उत्तराखंड में जिस तरह से हालात हैं उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं हो
सकता है। सुरेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए 5 अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 अध्यक्ष बना ले, फिर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तरस आता है कांग्रेस पर। इतनी पुरानी कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि हम इतने पुराने दल, जिनके अपने दल का संविधान भी है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के खून में ही रची बसी है, राजनीति में। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तुष्टीकरण के माध्यम से कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं, इसका अभियान चलाया है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। वो एक उन्होंने आज 5 अध्यक्ष बनाए हैं प्रदेश के, वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं उनको एक सुझाव और देता हूँ कि अगर उनको तुष्टीकरण ही करना है, सबको संतुष्टि करना है, तो उन्होंने 5 बना दिए, कुल मिला के उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 7 और बना दें तो हर जिले का एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। क्यों आप और जिलों को नाराज करते हैं? लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के बदलाव करके, इस प्रकार के करके, ये कांग्रेस का प्रेशर दिखाई देता है कि कांग्रेस कितने दबाव में है। काशीपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी खिलेंद्र चौधरी ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बहाल करने का मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है। यहां काशीपुर मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने नीट यूजी और नीट पीजी में 27% आरक्षण बहाली के लंबी समय से की जा रही मांग को पूरे देश के ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए वरदान बताया है। खिलेंद्र चौधरी का कहना है कि इस ऐतिहासिक निर्णय से लगभग 4000 ओबीसी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और इस निर्णय से प्रत्येक साल 1500 ओबीसी छात्रों को एमबीबीएस और 2500 को पीजी कोर्स में फायदा मिल पाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहता है, और मैं उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा होने के नाते, और मेरे साथ में प्रदेश के महामंत्री ओबीसी मोर्चा, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे मनोज प्रजापति जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के नगर के अध्यक्ष काशीपुर, ओबीसी मोर्चे के चुनाव के संयोजक कमलेश जी और राजेंद्र सैनी जी, मेरा कहना ये है कि आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें रही हैं, कभी किसी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए ये चिंतन मंथन नहीं किया कि ओबीसी समाज किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, या किस तरीके से उनके बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, किस तरीके से उनके बच्चों का भी, उनके परिवार का भी जीवन स्तर उठे, इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद 2018 में मोदी जी एक बिल लेकर आए, उन्होंने कहा कि जब एससी वर्ग को संवैधानिक आयोग को दर्जा है तो ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने इसको जो है दोनों सदनों में पास कराया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये जो है ओबीसी आयोग एक संवैधानिक दर्जे के रूप में उभर कर आया, जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। ओबीसी समाज के लिए एक चैनल मिल गया, ओबीसी समाज के लिए कहने के लिए माध्यम मिला कि अगर मुझे कोई दिक्कत है, किसी दूसरे वर्ग से मुझे कोई सताता है, दिक्कत पैदा करता है, तो मैं अपनी शिकायत ओबीसी आयोग में करूँगा। उसको संवैधानिक दर्जा मिलने से उसको ताकत मिली है, ओबीसी समाज में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। हरिद्वार के नव नियुक्त जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट रोशनाबाद हरिद्वार पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट रोशनाबाद पहुंचने पर जिलाधिकारी का भव्य स्वागत भी किया गया और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री बीके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री जगदीश लाल, डिप्टी कलेक्टर संतोष पांडे सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें, पदभार ग्रहण करने से पहले नव नियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार पहुंचते ही हर की पैड़ी पर पहुंचकर माँ गंगा की पूजा अर्चना की और जिलाधिकारी ने इस अवसर पर माँ गंगा से देश और प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति की प्रार्थना करते हुए माँ गंगा का आशीर्वाद भी लिया। विनय शंकर पांडे इसके बाद श्री गंगा सभा कार्यालय पहुंचे, जहाँ गंगा सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पमाला, अंग वस्त्र और गंगा जली भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया और पर्यावरण के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को की सराहना भी की।
गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।